सरकार ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ में 1 जनवरी से 7 जनवरी तक स्कूलों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम करवाने के आदेश जारी किए हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के इस आदेश पर आपत्ति जताई है। बोर्ड ने इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सूर्य नमस्कार सूर्य पूजा का ही एक रूप है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशभर के सभी स्कूलों में एक सप्ताह तक चलने वाले योग सूर्य नमस्कार सत्र आयोजित करने के केंद्र सरकार के आदेश का विरोध किया है। मालूम हो कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर स्कूलों में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किए जाने का निर्देश सरकार की ओर से दिया गया है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने बयान जारी कर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पर बहुसंख्यक समुदाय के रीति रिवाज और पूजा पद्धति को सभी धर्मों के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। मौलाना ने सूर्य नमस्कार कार्यक्रम से मुस्लिम छात्र छात्राओं को दूर रहने की हिदायत दी है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को जारी किए गए आदेश को मौलाना ने संविधान के खिलाफ बताया है। दरअसल केंद्र की ओर से सभी राज्यों को 1 जनवरी से 7 जनवरी तक अपने स्कूलों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर मौलाना ने कहा कि भारतीय संविधान में सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा प्रार्थना आदि करने की छूट दी गई है, इसलिए किसी भी धर्म विशेष की पूजा पद्धति को सभी धर्मों के लोगों पर थोपा नहीं जा सकता है। उनका कहना है कि इस्लाम और अन्य धर्मों में सूर्य को देवता मानकर उसकी पूजा करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का सम्मान करते हुए इस तरह के आदेश को वापस ले। अगर सरकार वाकई देश से मोहब्बत का इजहार करना चाहती है तो उसे देश की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। 1 जनवरी 2022 से 7 जनवरी 2022 तक के लिए ये कार्यक्रम प्रस्तावित है और 26 जनवरी 2022 को सूर्य नमस्कार पर संगीता कार्यक्रम की भी योजना है। आंध्र प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को केंद्र सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है, जिस पर बोर्ड ने विरोध जताते हुए कहा कि निश्चित रूप से ये असंवैधानिक कृत्य है और ये देश प्रेम का झूठा प्रचार है। सूर्य नमस्कार सूर्य की पूजा का एक रूप है। इस्लाम और देश के अल्पसंख्यक ना तो सूर्य देवता को मानते हैं और ना ही उसकी उपासना को सही मानते हैं, इसलिए सरकार का ये कर्तव्य है कि वो ऐसे निर्देश को वापस ले और देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का सम्मान करे। बोर्ड ने कहा, हाँ अगर सरकार चाहे तो देश प्रेम की भावना को उभारने के लिए राष्ट्रगान पढ़वाए। यदि सरकार देश से प्रेम का हक अदा करना चाहती है तो उसे चाहिए कि वो देश की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दे। देश की बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, आपसी नफरत का औपचारिकता प्रचार, देश सीमाओं की रक्षा करने में विफलता, सरकार की ओर से सार्वजनिक संपत्ति की निरंतर बिक्री, ये देश के वास्तविक मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।